जो हमारे साथ चला, हम जिन्होंने हमारे साथ टाइम स्पेंड किया और जो हमारी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था। और आज के मैं सोया नहीं, बल्कि हो सकता है कि मेरे दोस्त भी ना सोए हैं। और मुझे तो इंतजार है, आज हम लोग बड़ा मजा आ रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छे से लोग हैं। हमने बड़ी अच्छी की फोटोज ली आपके वन ग्रुप में, लेकिन मुझे अगले हफ्ते का ज्यादा इंतजार है, बेचैनी से बेचारी से इंतजार में इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से जैसा आए। और हम लोग हंसता साला ये वो तीन बैठे हुए ये कौन है तीन? क्यों पागल हो गया। शेरार भाई लगता है आपने बताई नहीं उसको वो शोना की बात के, वो उसने क्या बताया हमारे बारे में, कल के बारे में? मैं नहीं बताता, आप खुद ही बताओ। ओके मैं बताता हूँ। फाजिल भाई आपको मैं दिल तो नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन हैर जाने दो, नहीं बताता। रियल कैरेक्टर आप कल स्पेशल, आपकी स्पेशल मुलाकात थी वो, माँ हम आपसे मिलना चाहती थी वो, उन्होंने आपने कल ऑप्शन दिया कि क्या बना कल की मैच का। सर भाई आपको क्या हुआ, आपके मिर्गी के दौरे पड़ते हैं? शाहरुख भाई दौड़ के जाओ थोड़ा सा, कमीना है, सीधा जा यार। जिंदगी बदल जाता है, जैसे कल हम लोग, कल का दिन इतना अच्छा गुजरा कि रात को नींद नहीं आई। मैं तो कहता हूँ कि हमेशा जिंदगी में कल जैसे दिन आने चाहिए, मैं भी यही चाहता हूँ। और मुझे कल सबसे ज़्यादा खुशी यही हुई है कि हमने एक दिन एक पैसा था बहुत बड़ा, जिसके लिए हमने बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन की थी, लेकिन वो इतना बुरा गुजरा। तो कल सोना जी ने बताया कि इमेजिनेशन नहीं करनी चाहिए, जब भी जाएं कुछ सोच के ना जाएं। मैं रात को ख्वाब स्टार्ट किया, फिर मैंने कहा यार जो सोचा सोच तो जाता है, मैंने कहा सोचना छोड़ दो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मेरी तो कल पहली मुलाकात थी, कल आपको इन्हीं सबको मजा आया। मुझे ज़रा ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि आपको पता है पहली मुलाकात जब हो तो बना। लेकिन आप जब कल का वाक्य सुनोगे ना, आप जाओ तो उसका रिस्पॉन्स, आपने रिस्पॉन्स क्या दिया महाम ने स्पेशल फॉर यू, तो आपके कुछ सपने वो छक्के छूट जाएंगे आपके छक्के। तो क्या आप कितने परेशान हैं, जब उनके हाथ पे चोट जख्म लगा था पर एक चीज से वो कह रही थी, मैंने उनको कहा भी था कि टेटनस का इंजेक्शन लगाए, बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है। ये तुम्हारी क्लास फेलो नहीं है? पूछने के लिए शाहरुख को भी ला लाई, देखिए गिटार ले आया गाड़ी से। एक दफा ये मेरे, हम लोग रोड पे जा रहे थे, इस बेचारी को मैंने लिफ्ट दी थी, उसके बाद से काफी अच्छी जान पहचान है मेरे। अबे अली भाई किधर जा रहे हैं? शाहरुख भाई आप जल्दी भाग के आए भाई, कभी ना इतना झूठ बोलता है, गिटार कहाँ से लाया तूने, है झूठ बोलता है। ओए यार सुनो सब सुनो,
वही कल वो भी करनी है ना। हमारे शेरवानी ग्रुप में डीजे कौन है? इब्रो वाले आ रहे परसों। इब्रो वाला डीजे मोहम्मद फाजिल शेरवानी। टोनी की तबीयत खराब है, अब डीजे कौन बनेगा? वैसे पिछली बार जो कॉन्सर्ट हुआ है, अगर वो अच्छा हुआ तो सारा क्रेडिट डीजे टोनी को जाता है। वो उसकी तबीयत खराब है तो नहीं आएगा इस बार। फिर कौन करेगा, कौन वो ऑर्गेनाइज कराएगा शो? ईरानी भाई को इवेंट मैनेजर से हटा के उधर लगा देंगे, लेकिन उसको तो कोई एक्सपीरियंस नहीं इस बारे में। यार मैं तो डांस करने वाला हूं, रुको यार रुको, टोन चेंज कर रहे टोन। यार डीजे टोनी से फोन करके पूछो आप उसकी, फोन तो दे डीजे टोनी से, फोन करके पूछो कि उसकी तबीयत ठीक हुई है नहीं हुई। चेरी ये वाली टोन के लिए ये यूं होता है ना? हां ये इस तरह होता है ना। तुम लोगों को मैं कितनी बार सिखा रहा हूं गिटार, लेकिन अभी तक तुम लोगों को पता नहीं। अबे वो मुझे बता, ये वाला ये ए ए मुझे याद पड़ता है जहाँ तक मुझे याद। मैं डिग्री में देख के आता हूँ, क्या बूट पे पड़ा। वो आएगी, वो शेर से नाराज हो, शेरी भी तुमसे नाराज होगी है, नाराज होगी है वो। क्या हुआ, क्यों ये नहीं आ रही? वो ये मेरी जबान नहीं, इससे पूछो वो शेरी से क्या हुआ प्रॉब्लम, क्या होगा पता नहीं। शेरी इसको समझाया, शेरी नहीं चाहता है।